हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ किंजल और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल थोड़ी सी पेट पूजा में। आज मैं शेयर कर रही हूँ बिरयानी पाउडर मसाला की रेसिपी। घर पर बने बिरयानी मसाला की खुशबू और स्वाद की बात ही कुछ और है। इसका यूज़ आप वेज और नॉन वेज दोनों ही बिरयानी में कर सकते हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही बढ़िया और लाजवाब होममेड बिरयानी मसाला की ये स्पेशल रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। बिरयानी मसाला बनाने के लिए हम लेंगे खड़े मसाले, जिनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई गर्म होने के लिए। एक बात का ध्यान रखेंगे, हमें सभी मसालों को स्लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है, वरना मसाले जो हैं जल सकते हैं। तो यहाँ मैंने ली है 6 से 7 साबुत लाल मिर्च, 12 तेज पत्ता। इन दोनों को डाल देंगे कढ़ाई में और इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। भूनना हमें इसलिए ज़रूरी है कि ये लंबे समय तक हम जो मसालों को स्टोर करेंगे वो ख़राब नहीं होंगे। तेज पत्ता और मिर्च अच्छे से रोस्ट हो गई हैं, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। वापस से कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और इसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून जीरा। इन दोनों को भी अच्छी तरह से सुनहरा होने तक भून लेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। धनिया और जीरा जो है अच्छी तरह से भुन गए हैं, इनको भी सेम प्लेट में निकाल देंगे। अब कढ़ाई में डाल देंगे 6 जावित्री, करीब 5 इंच दालचीनी, 2 जायफल, 2 चम्मच लौंग, 6 बड़ी इलायची, 6 स्टार फूल, 20 हरी इलायची, 2 बड़े चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच सौंफ। सभी को अच्छी तरह से लो फ्लेम पर भून लेंगे। मसाले जो हैं भून गए हैं, इनको भी अब सेम प्लेट में ही निकाल देंगे। इन सभी मसालों को अच्छी तरह से हम ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसको पीसेंगे। तो यहाँ हमारे सभी मसाले ठंडे हो गए हैं, इनको डाल देंगे एक ग्राइंडिंग जार में और अच्छी तरह से पाउडर बना के तैयार करेंगे। एकदम बारीक पाउडर हमको बना के तैयार करना है। ये देखिए, एकदम फाइन पाउडर बनके एकदम तैयार हो गया है। लास्ट में इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच देगी लाल मिर्च। देगी लाल मिर्च एकदम ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालिए, वरना इसको स्किप कर दीजिए। ये केवल कलर अच्छा करती है। जार का ढक्कन अच्छे से बंद कर देंगे और इसको एक बार अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो एक बार इसको मिक्सी में भी चला सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा ज़बरदस्त होममेड बिरयानी मसाला बनके तैयार है। मसालों को आप एक बार बना लीजिए और एयरटाइट कंटेनर में रखकर 6 महीने तक यूज़ करिए। ये एकदम ख़राब नहीं होता है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इसको यूज़ करना है तो जो चम्मच से जिससे हम निकालेंगे वो एकदम सूखी होनी चाहिए, बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए, वरना मसाला हमारा जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये बिरयानी मसाला की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो जल्दी ही मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।